हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं मेडिकल कनेक्शन इंदौर के ऑफिशियल रेडियो चैनल को। आज तारीख है 21 जून। 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, क्या पहले के टाइम पे भी योग वगैरह कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट करती थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि अगर योग योग की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है ये इंडिया ही है। अब अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें तो इंडियन ओरिजिन में भी अगर देखा जाए तो आज से लगभग 5000 साल पहले जो अगर आपने ग्रंथ देखे हो, जो हमारा ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद में योगा की मेंशन मिलती है। तो ओवरऑल जो योगा का फर्स्ट मेंशन मिलता है, योगा का मेंशन कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के अलावा भी ऐसा अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करी जाए तो ऐसा बिलीफ है कि जो पहले आदि आपने देखा हो जाए एक शिव जी की प्रतिमा होती है योग के अवतार में, तो इसे बोलते थे आदि प्रतिमा। तो आज के टाइम पे भी अगर आप आदि प्रतिमा को पूजा जाता है तो एक चीज एक ये भी है कि मानसरोवर जो माउंटेन है और पूरा जो पूरा हिमालय पे एक टाइम पे तपस्या करते थे शिव जी और वहीं से योग की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो हो गए पुराने बिलीफ, लेकिन नए रूप में ये चीजें कब से चालू हुई, क्या इसका पूरी कहानी है, ये आपको मैं डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नए पीएम बने थे और उस वक्त उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर एक स्पीच दी थी, UNGA में उन्होंने एक स्पीच दी थी। और उस वक्त उन्होंने सारे देशों से आग्रह किया था कि अगर हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो हमें योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवानी चाहिए। इस बात को सही मानते हुए उस वक्त यूनाइटेड नेशन के महासचिव बान की मून ने 193 देशों से आग्रह किया कि अगले वर्ष यानी 2015 से सारे देशों में योग को मनाया जाएगा। यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है हमारे वर्ष 2015 में और इस वर्ष 2018 में हम मना रहे हैं चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे अगर हम बात करते हैं तो हम 21 जून के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ कि पृथ्वी जो हमारी जो अर्थ है, इसके दो गोलार्ध हैं, आपको पता होगा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन है आज और सबसे छोटी रात है, जिसे समर सोलास्टिस कहते हैं। ठीक है, यह जो परिघटना है, ये जो कंडीशन है, ये तब होती है जब सूर्य कर्क रेखा यानी जो आपकी कैंसर लाइन है, जो कि आपकी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उससे ऊपर होता है, यानी जब सूर्य आपके 23.5 डिग्री से ऊपर होता है, इसके कारण पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्थ पोल है, वो सूर्य के काफी करीब आ जाता है। और इसी वजह से हम 21 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल योग डे, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी के करीब होती हैं। सूर्य में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप सूर्य की किरणों में सुबह के समय अभ्यास करते हैं, सूर्यासन करते हैं, अन्य किसी प्रकार की योग एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी को ना सिर्फ विटामिन डी मिलता है बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव व्यू में कर सकते हो। इसके आगे हम बात करते हैं तो हर साल एक योगा कैपिटल जो है वो मनाई जाती है, कोई ना कोई शहर या राजधानी होती है जिसे योगा कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2018 में योगा कैपिटल बनाया गया देहरादून को, जो कि उत्तराखंड में आता है, देहरादून। ऑलराइट, ये योगा कैपिटल क्या होती है? तो ये योगा कैपिटल होती है जहां पर पीएम अपने डेलीगेट्स के साथ जाते हैं, वह हमारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मित्र भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पूरी दुनिया को हम संदेश देते हैं कि योग कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ना सिर्फ पीस बल्कि हार्मनी को भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए योगा कैपिटल को मनाया जाता है। कुछ दिन पहले प्रियांश ने एक वीडियो में कवर भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत सरकार के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से हमने योगा डे मनाया था। और सऊदी अरब में भी हमने एक न्यूज कवर की थी कि सऊदी अरब ने अपना राष्ट्रीय अपना जो एक खेल है उसे योगा को घोषित किया है। तो इसी तरीके से योगा जो है वो काफी फेमस है, ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे पूरे अपडेशन के लिए भी। इसके अलावा अगर एक और चीज पे बात करी जाए कि योगा हम इतना क्यों प्रमोट करते हैं, देखिए दो टाइप की पावर्स होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़े तो एक होती हार्ड पावर, एक होती सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको किसी कंट्री से दोस्ती करना है
तो अगर वहां के लोग भी अपन जैसी सिमिलर चीजें फॉलो करने लगे, जैसे एक होता है बॉलीवुड, अगर बॉलीवुड को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि इंडियन मूवीज देखते, तो अल्टीमेटली वो जाके इंडिया से अटैच हो जाते हैं। इस टाइप से एक चीज योगा भी है, अगर आप देखा जाए तो साड़ी, अगर देखा जाए तो साड़ी देश विदेश में जाके काफी पॉपुलर हो रही है। तो योगा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर, और अगर हमें अपनी सॉफ्ट पावर प्रमोट करना है तो हमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल लेवल पे योगा की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है तो सारी कंट्रीज का जो सपोर्ट है वो हमारी तरफ से इंटीग्रेशन बढ़ता है, और इसलिए योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्ट पावर। तो ये था आज आपके योगा डे के बारे में, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक लिस्टेड यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और हैप्पी योगा डे टू एवरीवन।